कि हाउ टू सेटल डाउन इन फिलीपींस। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू सेटल डाउन इन फिलीपींस। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके रिगार्डिंग पूछा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ एक डिटेल वाला वीडियो मैं शेयर कर दूं, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल हो, तो जिससे अगर आप लोग भी यहां पर आने के बाद सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात कि इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनी वेयर अदर इन द कंट्री एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, देन आई एम गोना स्पीक ऑल द डिटेल्स इन द एंड ऑफ द वीडियो इन इंग्लिश, सो प्लीज स्किप टू दैट पार्ट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के पास पहले क्या था कि कोई है नहीं बंदा, किसी को कॉन्टेक्ट करना है, कुछ ऑप्शन नहीं था। अब क्या है ना कि जब मैं यहाँ पर आके रह रहा हूँ साल डेढ़ साल के आसपास और मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिल रही है, तो कुछ लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि घाई कर रहे हैं। अब ये घाई वाला चीज़ जो मैं बोलूँगा कि वो सही नहीं होता। जैसे आपने सुना ही होगा कि घाई का काम शैतान का होता है, तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होता है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा घाई करोगे, जितना ज़्यादा जल्दी आने का या जल्दी सेटल डाउन होने का कोशिश करोगे, उसमें नुकसान सिर्फ आपका ही हो सकता है। अच्छा, इसमें अभी एक और चीज़ कि आप लोग अगर किसी भी चीज़ के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल एंड प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपके पर्सनल काम होते हैं वैसे ही मेरा पर्सनल काम है, मेरा वर्क है, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे पर्सनल टाइम देना पड़ता है, बट जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, सो प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड। एंड अभी यहाँ से मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स जो है वो एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। तो पहला चीज़ तो मैं जैसे आपको पहले बोला कि घाई करने का ज़रूरत नहीं है, घाई करोगे तो सब चीज़ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा एंड प्रोबेबली ऐसे चांस है कि जो चीज़ आप दो साल में या तीन साल में कर सकते थे वो शायद से मे भी हो सकता है कि चार या पाँच साल लगे और आप अपने पैसे भी जो है वो खो सकते हो। तो वैसा चीज़ करने के लिए मैं भी खुश नहीं हूँ, आप लोग भी खुश नहीं हो। जैसे मैंने कैसे किया था, मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें शेयर करता हूँ, तो जिसके वजह से मतलब आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है। तो सबसे पहला तो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में शेयर कर दूं कि मैं कोई एक रिच किड नहीं हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली। और जैसे आप लोगों का सैलरी होगा वैसे ही मेरा सैलरी भी था जब मैं इंडिया में था। अब यहाँ आने के बाद सब चीज़ डिफरेंट है, मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके प्लान किया तभी आज चलकर मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा गाइडेंस या कुछ भी चाहिए तो आप लोगों को नीचे जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल मिलते रहेगा, वहाँ पे आप मुझे गाइड वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। उसका एक बेसिक जो मेरे टाइम का जो फी रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, बट मैं आपको राइट आइडिया राइट प्लान जो चीज़ है वो शेयर करूँगा, जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर आने के बाद सब चीज़ें जो है वो सही तरीके से कर पाओ। और ऐसा मतलब चीज़ ऐसा है कि आप लोगों के पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है जो ये सब चीज़ों के बारे में जानता हो, तो उसमें आप लोगों का एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपका अगर एक सैलरी है 15,000-20,000, जैसे मेरा था एक टाइम पर, मैं इंडिया में था तभी, तो वो सैलरी में से ट्राई करो सेव करने का एज मच एज पॉसिबल और स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना एज मच एज पॉसिबल। अब सेव करना और इन्वेस्ट करना वो कहाँ पर है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि शेयर मार्केट के स्टॉक्स ले लो या ये करो वो करो, ठीक है, ये चीज़ जो है वो बहुत ही अलग है। मैं यहाँ पर जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर, लाइक पासपोर्ट हो गया, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बना लो। दूसरा चीज़ ट्रॉली बैग्स, अगर आप ट्रैवल करने वाले हो डेफिनेटली आप यहाँ पर आओगे, आपकी गर्लफ्रेंड से मिलोगे, कुछ दिन रुकोगे, तो ट्रॉली बैग्स, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस या जो भी चीज़ वो जब चाहिए तब करना जब आप ट्रैवल करने वाले हो तब, बट अभी से उसके लिए जो है वो सेविंग करना स्टार्ट कर दो, तो जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प हो जाएगा, फ्यूचर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। फिर जब आप सेव करना स्टार्ट कर देते हो और सेविंग करते करते पकड़ लो कि आपका जब अमाउंट पहुंच गया एक 1.5 लाख के ऊपर तक या 1.5 लाख के आसपास, तो तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक फिलीपींस का ट्रिप जो है वो प्लान करो। मतलब आपके पास पासपोर्ट आ गया, आपने ट्रॉली बैग ले लिया, सब चीज़ आपने कर लिया, फिर आपके पास 1.5 लाख सेव हो गया आपके अकाउंट के अंदर, तब मैं आपको बोलूँगा कि स्टार्ट करो अपना फर्स्ट ट्रिप के बारे में। इसमें आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आपने जॉब ज्वाइन किया तो आईटीआर भी फिल कर देना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आईटीआर जो है वो क्यों ज़रूरत है,
ITR का जरूरत तब है जब आप अपना वीजा अप्लाई करने के लिए जाओगे, तो बेटर है कि इस साल भर का भी एटलीस्ट आपने ITR कर लिया तो आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा कि सर मैं इतना टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे पास ये एक साल का ITR है समथिंग, मतलब कुछ नहीं बताने से तो कुछ बताना बेटर होता है, यू कैन एग्री दैट। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पर सेव करना स्टार्ट कर दो। फिर इसके बाद जो बात आता है नेक्स्ट चीज़ का, मतलब आपका ट्रिप के बारे में, तो पहला ट्रिप आप लोग प्लान कर सकते हो। डेफिनेटली आपको फिलीपींस वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लेने के लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मेरा वीज़ा असिस्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हो। और पहली टाइम पे ट्रैवल कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, कैसे जो चीज़ करना है सब डिटेल में दे दूंगा। आपको पता है मुझे कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको हर एक चीज़ के लिए हेल्प कर दूंगा। फिर आपका पहला ट्रिप जो रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो आपको करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पहला अपना फिलीपींस का ट्रिप करोगे, ज़्यादा बड़ा मत करना, मैं तो बोलूँगा 14 दिन से लेके 20 दिन के बीच का ही ट्रिप करना, इससे ज़्यादा बड़ा मत करना क्योंकि इसमें आप ज़्यादा पैसे भी गवा दोगे। यस मतलब ऐसा चीज़ है कि गर्लफ्रेंड को मिलना, उसके साथ ज़्यादा टाइम तक रहना किसको नहीं पसंद है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा पैसे गवाओगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको उसको कलेक्ट करने के लिए टाइम भी फ्यूचर में लगेगा। तो ये चीज़ सोचना कि 14-15 दिन का आपने अगर यहाँ पर ट्रिप कर लिया है तो इसमें आपका ये इन्वेस्टमेंट है जो आप अभी कर रहे हो और सेविंग भी कर रहे हो। तो जो आपने सेविंग किया है, मतलब पकड़ लो कि आपने 1.5 लाख का 1.5 लाख आपके बैंक अकाउंट में था, आपने पूरा ट्रिप प्लान किया और सक्सेसफुली जो है वो 1 लाख के अंदर हो गया, तो 50,000 जो आपके बच गए वो नेक्स्ट ट्रिप में आपको काम आएंगे, राइट। बट अगर आप यहाँ पर आए वो 1.5 लाख के ऊपर का आपने खर्चा कर लिया तो फिर उसको रिकवर करने के लिए आपको फिर और 2-3 साल का टाइम लगेगा। सोचा, तो ये चीज़ सोचो कि आपके पास 50,000 है तो फिर 1 लाख और कलेक्ट करना या वो करना आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ का कि जब आप यहाँ पर आओगे तो ट्रिप में इंजॉय तो करो, बट इंजॉय करने के साथ कुछ चीज़ें और करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ों को और ध्यान से, मतलब सब चीज़ समझो, सब चीज़ पता करो और फिर आगे का जो है वो आप प्लान कर सकते हो। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको मिलो, उसका जो एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से रहती है, उनका जो नेबरिंग एरिया कैसा है उसके बारे में पता करो, कौन सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर आने के बाद उन जो 14-15 डेज है या जो भी 20 डेज का आपका टाइम है उस टाइम में आपको ये सारा डिटेल जो है वो पता करना है, ठीक है। देखो ऐसा चीज़ है कि 100% ये हेल्पफुल नहीं है क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था तो मैंने कुछ और प्लान किया था, बट अभी जो है वो कुछ प्लान ओवर हो गया है, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि एक बार ऑब्जर्व करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको सब चीज़ों के बारे में आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद इंडिया जाओ, इंडिया जाने के बाद अगेन आपका जो लाइफ है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। इट्स रियली हार्ड, मतलब पहली बार गर्लफ्रेंड से मिलोगे फिर उसको बाय बाय बोल के जाना, लाइक हम लोग का जो है वो भी चीज़ अलग था, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि एक बार बाय बोलना सही रहता है ताकि आप फिर से दूसरी बार मिल पाओ और इस बार जो है वो परमानेंट मिल पाओ। तो सेकेंड टाइम पर आपका जो रहेगा सब चीज़ वो परमानेंट रहेगा। तो जैसे आपने जो चीज़ सब देखा था, आपने एनवायरनमेंट देखा, आपने जो है वो कुछ प्रॉपर्टी से अगर ऑप्शन मिल रहा है तो देख लो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होगा कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लोगे तो आपके पास रहने के लिए जगह रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पर वही प्रॉपर्टी में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ में ऐसा भी होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको इसके पहले घर कैसे ले उसका वीडियो बनाया था वो देख लेना, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बट यहाँ पर छोटी सी चीज़ में कि आपने प्रॉपर्टी के लिए कुछ लाख पैसों पे किए और वो भी एक साथ नहीं करने हैं, पूरे साल भर में करने हैं, फिर उसके बाद वो लोग घर बना देंगे और जब तक आप यहाँ पर नहीं आते तब तक आप उसको रेंट पर दे सकते हो, आपका एडिशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको उसको रेंट पर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, आप बस उसको यहाँ पर रखो और जब आपका घर बन जाएगा तो आप आराम से यहाँ पर आके रहना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मतलब जो आपको रेंट देना था या होटल का जो चीज़ देना था वो वहाँ पे बच जाएगा। इवन फर्स्ट ट्रिप के टाइम पे आप एक और चीज़ कर सकते हो एंड वो है एंगेजमेंट। तो पॉसिबल है तो एक अंगूठी जो सोने का है वो इंडिया से लेके आना, यहाँ पर आके उसको पहना देना, आपका एंगेजमेंट हो जाएगा एंड दिस मेक्स योर रिलेशन लिटल बिट यू कैन से स्ट्रॉन्गर अदर देन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है, आजकल ब्रेकअप हो गया ये चीज़ वाली चीज़ है, बट जब आप एंगेज हो जाते हो तो वो एक और स्टेप बोलते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप इंडिया गए, इंडिया में जाने के बाद आप वर्क हार्ड करना, मतलब हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो, जो भी चीज़ है आप वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर दो, सेविंग करना स्टार्ट कर दो या फिर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेम वे से आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी, अगर वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो जॉब करती है तो इट्स वेरी गुड, उसको भी बोलो कि हार्ड वर्क करना और अपने पैसे जो है वो सही जगह पर इन्वेस्ट करना, या फिर जो आपने डिपॉजिट या डाउन पेमेंट दिया है तो घर का बाकी का जो ईएमआई है वो भरती रहे। तो इसमें जो है वो एक तरीके से बोलो कि आपका लाइफ
बेटर होते रहेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा अपग्रेड करते रहोगे। फिर इसके बाद ऐसा चीज़ है कि मतलब कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड काम नहीं करती है, ठीक है। तो अगर वैसा सीन है आपकी गर्लफ्रेंड काम नहीं करती है, तो उसको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दो। आपके पास थोड़े पैसे तो है, उस पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो, तो जिससे वो बिजनेस चलाएगी, तो बिजनेस चलाएगी तो इनकम होगा। तो सोचो कि जहाँ पर आपने पहला बार आपने मेहनत किया, 1.5 लाख जमा करने में आपको 2 साल लग गए, फिर उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम पे 1 साल के अंदर ही सिर्फ आ सकते हो। अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो आप 6 महीने के अंदर भी आ सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको जॉब छोड़ देना है, यहाँ पर बिजनेस चलाना है, बराबर। तो ये चीज़ जो है वो आपको करना है। तो आपने पहले इन्वेस्ट किया, फिर इन्वेस्ट करने के बाद इंडिया गए, इंडिया जाने के बाद वर्क हार्ड किया, आपकी गर्लफ्रेंड भी वर्क हार्ड कर रही है, सब चीज़ बराबर चल रहा है, फिर उसके बाद आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आप जब आओगे तभी भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हर एक तरीके का आप अपने हिसाब से, मतलब हर एक बंदा अलग होता है तो उसके हिसाब से प्लान भी अलग बनता है, ठीक है। तो बट इस तरीके का जो है अगर आप लोग प्लान करोगे तो चांसेस इज रियली हाई आप यहाँ पर आके परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो, बहुत ही सही तरीके से आपका बिजनेस रहेगा या जो भी चीज़ रहेगा। तो आप अपने यहाँ पर रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर यहाँ कर जो आपकी यहाँ पर जो आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, उसको आप सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारा चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जो बाकी की डिटेल्स है मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलने वाला हूँ और उसके बाद एंड में कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सो आई एम गोना शेयर इन इंग्लिश विथ यू द एवरीथिंग व्हाट आई शेयर्ड इन जस्ट अ शॉर्ट वर्जन लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू डू इन हरी और रश, एवरीथिंग विल बी गेट स्पॉइल्ड एंड चांसेस आर हाई दैट यू विल लूज योर मनी, चांसेस आर हाई यू विल लूज योर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, इवन द टाइम इज इवन द थिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल टाइम, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू मीट योर गर्लफ्रेंड इन 2 ईयर, बट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन सम रॉन्ग वे, सो दैट देर आर हाई चांसेस दैट यू विल बी मीटिंग हर आफ्टर 4 or 5 years. सो आई डोंट वॉन्ट दैट एंड I think so, you also don't want that. So you need to be careful about that. I am going to help you. If you want to ask me anything, if you want my help, if you want my guidance, you can contact me on my Instagram, Facebook or my mail ID. You can email me over there and then we will start the conversation. But the thing is, you need to go step by step like I did. For example, like you are a middle common man like that, like I'm also common man, mango man, and then your salary is around 15,000 to 20,000. So you need to start saving that salary until you will reach 150,000, or you can say 1,50,000 in your bank balance. And then other than that, if you have some extra income, you should start investing. Investing means you need to make your passport, buy some trolley bags for your future plans, other things. There are still a lot of things which is needed, so you can just invest in that. Other than that, the other things like that, after everything, like you have a 150,000 means 1,50,000 in your bank balance, next thing you need to do is like you need to plan your Philippines trip. Again, if you want a visa assist or something, you can ask me. I'm going to help you to get Philippines visa on fresh passport. So you can come here, you can visit your girlfriend, you can stay with her for like almost a month, or you can stay here 2 months, depends on you. But I will suggest your first trip should be little bit in between 15 to 20 or 25 days, that's maximum. Because if you are going to stay longer over here, you are going to spend longer, means like a lot of money, as well as you are not able to save anything. And when you go back to India, you need to start from zero. So starting from zero is like a little bit hard, and saying bye-bye to your girlfriend is also a little hard. But I will just say like that, you are doing everything for better future. So you need to understand that and you need to start moving one by one or step by step. After that, when you come here in the Philippines to meet your girlfriend, what you need to do is like you need to start observing the land, the properties of the city and everything. You need to start observing the what your girlfriend doing, how's her life, what she's doing, what's the food, other thing, everything you need to like understand. Other than that, the other things like that, you need to start looking for the property. Property is very cheap over here. You can buy or purchase any properties. If you have a budget, definitely go for it. Pay the down payment, and if your girlfriend is working, she is the one who's going to pay the EMI, or you can both cope up, or it depends on like how it's going to be work. I'm not sure that it will work on the one way only, so it should be working on that both the way. Other than that, you need to evolve your relationship. Means you need to do is like that, you need to bring some gold ring from India, or you can buy from here.
and then you need to get engaged with her. So this will make your relationship little solid, as well as that you can do a lot of things on the basis of that. You can trust her, you can invest some amount on that, so like you are going to purchase a land or something, so it should be like a good opportunity for you. So after that you need to go back to India, and if you you can also start saving as well as start investing here in the Philippines. Like you can tell your girlfriend to start some business because you have saved some money, and other than that she's also going to invest her time or money like that. If she's working, tell her to save because you need a lot of money to start your life over here. And then if she's not working, you can start the business, so she's gonna handle that business, so you're going to still make a money. And business, you know that it can be boom in just 1 day or 2 days or maybe 6 months or maybe 1 year. So after 1 year, if you are going to come here, you have everything well settled and planned, so you can just come here and you can easily settle down over here. So this is all just like a plan I'm sharing to you. You need to go one by one, don't just rush, don't push anything. If you have a doubt, you can contact me, my Instagram, my Facebook or my mail ID. So I think so, that's it from my side. And जो final tip है जो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि सब चीज़ें जो है वो बराबर करना, घाई किसी भी चीज़ में मत करना. इसके अलावा इसे बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि सब चीज़ें आपने जो सोची है उसके रिगार्डिंग नहीं जाए, तो उसमें भी जो है वो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि भगवान का मर्जी समझ के थोड़ा सा टाइम वेट करो, पेशेंस रखो, सब चीज़ हो जाएगा, आपको कोई भी तरीके का घाई करने का ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड गुड लक.